दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर डीडी फ्रीडीज की लेटेस्ट नई चैनल लिस्ट बताने वाला हूँ, जिसके अंदर दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे नए चैनल ऐड हो चुके हैं। तो इन सभी चैनल को दोस्तों आपने अभी तक ऐड नहीं किया है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं सबसे पहले आपको चैनल लिस्ट बताऊँगा, नई चैनल लिस्ट बताऊँगा कि कौन कौन से चैनल हमारे डीडी फ्रीडीज के सेटअप बॉक्स में आते हैं, और उसके बाद में दोस्तों इन चैनल को हमारे सेटअप बॉक्स में किस तरीके से ऐड करना है उसके दोस्तों मैं यहाँ पर पूरे दो तरीके आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा कहीं से भी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है, और उस तरीके से दोस्तों आप किसी भी हमारे डीडी फिटनेस के चैनल को अपने सेटअप बॉक्स के अंदर बड़ी इजीली से ऐड कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको चैनल लिस्ट बता देता हूँ कि हमारे डीडी फ्रीडीज के एमपीजी टू बॉक्स में कौन कौन से चैनल हमको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे सेटअप बॉक्स में टोटल जो है 83 यहाँ पर चैनल हैं, और अभी 83 चैनल दोस्तों यहाँ पर हमारे डीडी फ्रीडीज के सेटअप बॉक्स में देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए मैं एक नंबर से लेकर के कम्प्लीट यहाँ पर चैनल लिस्ट आपको बता देता हूँ, और साथ में उसकी फ्रिक्वेंसी भी आपको बता देता हूँ, ताकि आपके सेटअप बॉक्स में अगर ये चैनल नहीं आते हैं तो उन चैनल को दोस्तों आप बड़ी इजीली से ऐड कर पाओगे, और ऐड करने का तरीका भी दोस्तों मैं आगे इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं एक नंबर से लेकर के 9 नंबर तक यहां पर मुझे जी के काफी सारे चैनल मिलते हैं, जैसे कि जी यूपी यूके, जी 24 कलक, जी राजस्थान न्यूज, जी 24 तास, जी पंजाब हरियाणा, जी एमपी छत्तीसगढ़, जी सलाम, जी बिहार झारखंड, और जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपके सेटअप बॉक्स में ये जी के चैनल नहीं आते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी आप नोट कर सकते हैं, 11461 हॉरिजॉन्टल 12490 इस फ्रीक्वेंसी का यूज करके आप इन सभी चैनल को अपने सेटअप बॉक्स में ऐड कर सकते हैं। आगे दोस्तों इधर देख सकते हैं आपको मिलता है यहाँ पर सारा टीवी, डीडी गिरनार, सो बॉक्स, सन मराठी, और दूरदर्शन के यहाँ पर चैनल हैं जैसे कि डीडी किसान, डीडी रेट्रो, डीडी इंडिया, डीडी नेशनल और डीडी न्यूज़ यहाँ पर आपको मिलता है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इधर चलते हैं आगे, एफजी मूवीज़ मिल जाता है, वैदिक हमको यहाँ पर मिल जाता है, बिफोर यू मूवीज़ मिल जाता है, गुड न्यूज़ टुडे मिलता है, बिफोर यू भोजपुरी मिलता है, समराव उमंग मिलता है, जी गंगा यहाँ पर मिलता है, गोल्ड माइन भोजपुरी यहाँ पर मिलता है, मनोरंजन प्राइम मिलता है, दंगल 2 हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अलावा जिंग हमको यहाँ पर मिलता है, फिल्मेची भोजपुरी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, आस्था भजन यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पर TV9 भारतवर्ष हैं, मनोरंजन TV हैं, बिफोर यू कड़क हैं, बिग मैजिक हैं, मनोरंजन TV हैं, और मूवी प्लस यहाँ पर हैं, रिश्ते प्लेक्स सिनेप्लेक्स यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसके अलावा जी अनमोल सिनेमा दोस्तों यहाँ पर हमको मिलता है, NDTV इंडिया यहाँ पर मिलता है, न्यूज़ 24 थिंक यहाँ पर मिलता है, एंटरटेन यहाँ पर मिलता है, और दिनचर्या 2 यहाँ पर मिलता है, पॉपकॉर्न मूवीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं, संस्कार TV हमको यहाँ पर मिलता है, इसके अलावा यहाँ पर दूरदर्शन के और भी चैनल हैं, और इधर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर दूरदर्शन के काफ़ी सारे चैनल हैं, तो जैसे कि यहाँ पर DD उत्तराखंड हैं, DD त्रिपुरा हैं, DD MP है, DD झारखंड हैं, DD बिहार हैं, और DD स्पोर्ट भी दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है। तो अगर ये चैनल भी आपके सेटअप बॉक्स में नहीं आता है तो इसकी फ्रिक्वेंसी आप नोट कर सकते हैं। और आगे दोस्तों इधर देख सकते हैं DD अनुप्रभा है, DD बंगला है, होम चैनल हमको यहाँ पर मिलता है, और इसके अलावा दोस्तों नीचे स्टार उत्सव मूवीज़ हमको यहाँ पे मिलता है, न्यूज़ 18 इंडिया यहाँ पर मिल जाता है, 9XM यहाँ पर मिल जाता है, सोनीवा यहाँ पर मिल जाता है, जी हिंदुस्तान यहाँ पर मिलता है, इंडिया न्यूज़ यहाँ पर मिलता है, MTV बीट्स यहाँ पर मिलता है, और यहाँ पर मस्ती चैनल मिलता है, इसके अलावा बिफोर यू म्यूजिक यहाँ पर मिलता है, इंडिया TV यहाँ पर मिलता है, न्यूज़ नेशन दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं, टाइम नौ नव भारत यहाँ पर मिलता है, रिपब्लिक भारत यहाँ पर हम देख सकते हैं, आज तक चैनल हम यहाँ पर देख सकते हैं, ABP न्यूज़ यहाँ पर हम देख सकते हैं, जी न्यूज़ यहाँ पर हम देख सकते हैं, जी चित्रमणि यहाँ पर हम देख सकते हैं, जी पंजाबी चैनल दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बी4 यू प्लस और अटरंगी दोस्तों यहाँ पर नए चैनल ऐड हो चुके हैं। इन दोनों चैनल को दोस्तों हम यहाँ पर डीडी फ्रीडीज के सेटअप बॉक्स में बिल्कुल फ्री में ऐड भी कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री में यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी आप नोट कर लीजिए दोनों चैनल की, 11510 वर्टिकल 29500। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि हम इन चैनल को हमारे सेटअप बॉक्स में किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दो तरीके आपको बताऊँगा। तो सबसे जो पहला सिंपल तरीका है दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, रिमोट का मेन्यू बटन दबाना है और उसके बाद प्रोग्राम सेटअप में जाना है और फिर आपको चले जाना है ऑटो स्कैन में। और आप चाहें तो ऑटो स्कैन करने से पहले दोस्तों इन सारे चैनल को डिलीट भी कर सकते हैं, ताकि जो आपका सेटअप बॉक्स है वो खाली हो जाए पूरी तरीके से और नए सिरे से आपके सेटअप बॉक्स में यहाँ पे स्कैनिंग हो जाए। तो चलिए हम पहले इन चैनल को डिलीट कर देते हैं ताकि हमारे यहाँ पे दो दो बार ये चैनल नहीं दिखाई दे।
तो डिलीट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर सिंपली एडिट प्रोग्राम में आना है, डिलीट ऑल प्रोग्राम में आना है और यहाँ से इनको सबको डिलीट कर देना है। उसके बाद हम यहाँ पर रेडियो चैनल लिस्ट को भी डिलीट कर देंगे। तो रेडियो चैनल लिस्ट पे आने के बाद दोबारा से मेन्यू बटन दबाना है, दोबारा से एडिट प्रोग्राम में जाना है, दोबारा से डिलीट ऑल प्रोग्राम में आना है और इनको भी यहाँ से डिलीट कर देना है। तो चलिए हम यहाँ से पिक लेते हैं और दोबारा से टीवी चैनल लिस्ट को हम सिलेक्ट करके रखते हैं। तो मैंने यहाँ पे टीवी चैनल सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नो टीवी प्रोग्राम यहाँ पे लिखा आ रहा है। यहाँ पे मेरे सेटअप बॉक्स में कोई भी चैनल नहीं है, ना तो यहाँ पे रेडियो के कोई चैनल हैं और ना ही यहाँ पे कोई टीवी के चैनल हैं। तो चलिए अब इन चैनल को यहाँ पर ऐड करने के लिए हमें रिमोट का मेन्यू बटन दबाना होगा और उसके बाद नीचे जाना है प्रोग्राम सेटअप में। प्रोग्राम सेटअप में जाने के बाद नीचे ऑटो स्कैन में आना है और सिंपली यहाँ पे दोस्तों LNB फ्रीक्वेंसी स्कैन मोड 22K और DC QCM को यहाँ पे डालना है और उसके बाद सिंपली यहाँ पे स्कैन करना है। तो LNB फ्रीक्वेंसी दोस्तों आप चाहें तो 0.50 भी रख सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पे 0.9750 भी रख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे 0.9750 रखूँगा, तो मैं दोनों जगह यहाँ पे 0.9750 कर दूँगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे दोनों जगह जो है 9750 LNB फ्रीक्वेंसी कर दी है। अब दोस्तों स्कैन मोड में हमको फ्री रखना है, 22K को हमें ऑन रखना है। आप चाहें तो ऑफ़ भी रख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। बाकी दोस्तों यहाँ पे ऑन रख के सर्च करना, ज़्यादा चैनल आएंगे। और DC QC दोस्तों यहाँ पर हमें ऑफ़ रखना है और सिंपली रिमोट का ओके बटन दबा देना है। तो अभी मैंने रिमोट का ओके बटन दबा दिया है। तो जैसे ही हम ओके बटन दबाते हैं रिमोट का, तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरीके का सेटअप खुल के आता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि दोस्तों जो चैनल होते हैं DD FDs के द्वारा जो प्रोवाइड कराए जाते हैं, वो सारे के सारे चैनल यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ऑटोमेटिकली हमारे सेटअप बॉक्स जो है सर्च करेगा उन चैनल को और यहाँ पर ऐड कर देगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक तरफ टीवी चैनल लिस्ट लिखा हुआ है, दूसरी तरफ रेडियो चैनल लिस्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो प्रोग्रेस बार है ये 100% तक चलता है और जब तक 100% कंप्लीट होती है तब तक दोस्तों यहाँ पर सारे के सारे चैनल ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे सेटअप बॉक्स में कितने और कौन कौन से चैनल ऐड होते हैं। और उसके बाद में दोस्तों मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा, क्योंकि कई बार दोस्तों ऑटो स्कैनिंग से सारे चैनल ऐड नहीं होते हैं, तो दूसरा तरीका भी आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्कैनिंग को कम्प्लीट होने देते हैं, उसके बाद हम दूसरा तरीका सीखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे सेटअप बॉक्स के अंदर 118 यहाँ पर TV के चैनल स्कैन हो चुके हैं। तो चलिए अब हम एक बार यहाँ पर चैनल देख लेते हैं कि कौन कौन से चैनल स्कैनिंग में आए हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा, अगर इस तरीके से कोई चैनल आपका मिस हो जाता है, कोई चैनल ऐड नहीं होता है, तो उस तरीके से 100% वो चैनल आपका ऐड हो जाएगा आपके सेटअप बॉक्स में। तो यहाँ पर चलिए हम एक नंबर से देख लेते हैं एक बार कौन कौन से चैनल हैं। तो इधर देख सकते हैं आप GK सारे वो चैनल आ गए, इसके अलावा वंदे गुजरात के इधर चैनल आ गए और इधर भी वंदे गुजरात के हैं, और इधर आप देख सकते हैं दंगल वगैरह, भोजपुरी सिनेमा वगैरह ऐसे कुछ चैनल हैं, स्पोर्ट 18 खेल वगैरह। आगे इधर G Bioscope आप देख सकते हैं, ताक्यू गोल्ड माइन, सिनेप्लेक्स बॉलीवुड, गोल्ड माइन बॉलीवुड, ऐसे काफ़ी सारे चैनल हैं। बिग मैजिक, बिफोर यू कड़क, GNMOL सिनेमा और एंटरटेन, वो सारे चैनल आ गए जो कि हम यहाँ पर ऐड करना चाह रहे थे। स्टार ओसम मूवीज़ भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इधर MTV Beats वगैरह, बिफोर यू म्यूजिक और न्यूज़ के भी सारे यहाँ पर चैनल आ चुके हैं। और इसके अलावा जो नए चैनल ऐड हुए हैं वो भी चैनल दोस्तों यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, बिफोर यू प्लस और अटरंगी। और इसके अलावा आगे इधर देख सकते हैं दूरदर्शन के चैनल हैं कुछ, इधर भी दूरदर्शन के चैनल हैं, इधर भी यहाँ पे दूरदर्शन के चैनल हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे सेटअप बॉक्स में 118 चैनल यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। चलिए अब दोस्तों मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ कि हमें अगर इस तरीके से चैनल ऐड नहीं हो पाते हैं किसी कारणवश, तो हम फ्रीक्वेंसी डाल करके कैसे उन सारे चैनल को ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली रिमोट का मेन्यू बटन दबाना है और मेन्यू बटन दबाने के बाद दोस्तों सिंपली आपको प्रोग्राम सेटअप में जाना है, उसके बाद सिंपली ऐड न्यू प्रोग्राम में जाना है। जैसे आप ऐड न्यू प्रोग्राम में जाते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का सेटअप खुल के आता है। तो नए चैनल ऐड करने के लिए या फिर किसी फ्रीक्वेंसी पे हमको चैनल ऐड करने के लिए या फिर किसी अदर सेटेलाइट के चैनल ऐड करने के लिए दोस्तों यहाँ पर ऐड न्यू प्रोग्राम में आकर के ही हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डालनी होती है और यहाँ पर सिग्नल लेकर के आना होता है और यहाँ पर जो है स्कैनिंग करना होता है। तो हमारे सेटअप बॉक्स में वो चैनल भी ऐड हो जाते हैं जो कि हमारे सेटअप बॉक्स में ऑटो स्कैनिंग के दौरान ऐड नहीं हो पाए हैं। तो यहाँ पर जैसे कि दोस्तों मैं कुछ चैनल ऐड करके आपको बताता हूँ, जैसे कि मैं आपको
बी फोर यू प्लस और अटरंगी जो नए चैनल ऐड हुए हैं उन्हीं को दोस्तों यहाँ पे ऐड करके बता देता हूँ। इसके साथ में और भी काफ़ी सारे चैनल ऐड होंगे इस फ्रिक्वेंसी पे, तो इनकी फ्रिक्वेंसी में यहाँ पे आपको एंटर करके बताऊँगा और उसके चैनल भी ऐड करके आपको बताऊँगा। तो इसके लिए दोस्तों मुझे यहाँ पर एल एन बी फ्रिक्वेंसी जो है 09750 ही रखनी है, क्योंकि इस चैनल के लिए जो एल एन बी फ्रिक्वेंसी यूज़ की गई है वो 09750 है। और इसके लिए दोस्तों यहाँ पर ट्रांस फ्रिक्वेंसी में डालूँगा 11510, तो मैं यहाँ पे 11510 ट्रांस फ्रिक्वेंसी डाल देता हूँ बिफोर यू प्लस और अटरंगी चैनल के लिए। और सिंबल रेट 29500 डालना है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे डाला हुआ है। पोलरिटी यहाँ पे वर्टिकल करना है, वर्टिकल ऑलरेडी यहाँ पे हो रहा है। और डिसिक्यूसी यहाँ पे जो है 22 के यहाँ पे जो है ऑन रखना है, ऑन ऑलरेडी है, और डिसिक्यूसी ऑफ रखना है, मोड यहाँ पर कर देना फ्री। ये सेटिंग दोस्तों आप देख लीजिए, इन दोनों चैनल की मैंने सेटिंग करी है, तो आप किसी अदर चैनल की सेटिंग भी इसी तरीके से कर सकते हैं और सिंपली रिमोट का आपको ओके बटन दबा देना है। तो मैंने जैसे यहाँ पे रिमोट का ओके बटन दबाया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे 20 नए चैनल इस फ्रिक्वेंसी पर यहाँ पर स्कैन होके मिले हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं वो 20 चैनल कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अटरंगी और बी प्लस बिफोर यू प्लस जो है चैनल यहाँ पे मिल चुका है 11510 वर्टिकल 29500 फ्रिक्वेंसी पे। इसके साथ में और भी काफ़ी सारे चैनल आ गए हैं जो भी इस फ्रिक्वेंसी पे हमको मिलते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये दोनों तरीके आपको आने चाहिए, ताकि दोस्तों कोई चैनल अगर आपके ऐड नहीं हो पा रहा है ऑटो स्कैनिंग के दौरान, तो इस तरीके से आप उन चैनल को ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियोज़ आपको मिलते रहें।